ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जन्मभूमि मंदिर में मचा है होली का धमाल, रंगों से रंग मिला है ऐसे क्या पीला क्या लाल। जब बात हो होली की तो मथुरा की होली भला कैसे पीछे रह सकती है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की होली की धूम भी सिर चढ़कर बोलती है। यहाँ की रंग भरी मस्ती में लोगों का मगन हो जाना तो लाजमी है, क्योंकि यहाँ के रंगों में अपना एक अलग ही नशा होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की होली। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और लालन पालन वृंदावन में हुआ था। यहाँ होली के 40 दिन पहले से ही इस पर्व की शुरुआत कर दी जाती है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ होली का त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर पूरे देश से यहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और तब भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की छटा देखते ही बनती है। की होली की लाइव टुडे की यात्रा में अब हम आप पहुंचे हैं मथुरा, जहां पर हम कृष्ण जन्म स्थली पर खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं भगवान कृष्ण जन्म, जहां पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो मंदिर है। कितना विशाल मंदिर है हमारे पीछे। आप लोगों का यहां पे एक झुंड है, पूरी भीड़ है, जो हुजूम है आप देख सकते हैं। यहां पे होली का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, आप सबको पता है 40 से 45 दिन पहले से ही यहां पे होली का त्यौहार मनाया जाना शुरू हो जाता है और पिछले 7 दिनों से लगातार यहाँ पे होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहाँ पे जो मयूर का नृत्य होता है वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद जो होती है नंदगांव की जो फगुआ होली होती है वो खेली जाती है। उस की जो राधा जी होती हैं, राधा जी नंदगांव आती हैं कृष्ण को और उनके जो ग्वाल बाल होते हैं उनको निमंत्रण कि वो होली खेलने उनके घर आए। तो उसके बाद फिर बरसाना में तो जब वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो राधा जी जब बरसाना होती है तो वहाँ पे खुशियाँ आती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उनकी होली का निमंत्रण है वो पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। उसके बाद वहाँ पर जो लड्डू की होली खेली जाती है बरसाना में, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे भगवान जो लड्डू जो होते हैं वहाँ पे भक्तों को फेंक फेंक के बांटे जाते हैं। तभी से ये प्रचलन चला आ रहा है कि लड्डू मार होली बरसाना में खेली जाती है। उसके बाद जब भगवान कृष्ण बरसाना जाते हैं, राधा जी को रंग लगाते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत चिढ़ते हैं, वो गोरी होती हैं, वो सांवले होते हैं, इसलिए वो उनसे चिढ़ते हैं, जिस वजह से वो उनको रंग लगाते हैं, जिस कारण जो राधा होती है वो नाराज़ होकर उनके ऊपर लठ चलाती है। तभी से बरसाना में लठ मार होली की शुरुआत हुई, जिसके बाद हम बात करेंगे जो लठ मार होली के बाद फिर जो बरसाना के हुरियारे होते हैं, बरसाना की जो हुरियारिनी होती है वो हमारी जो है नंदगांव आती है, नंदगांव में लठ मार होली मनाई जाती है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे जो भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर हम खड़े हुए हैं बाके बिहारी मंदिर में, और भगवान कृष्ण जन्मभूमि में हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की खास तस्वीरें। अभी यहाँ पे 5 बजे भगवान कृष्ण जन्मभूमि पे 5 बजे यहाँ पे जो है पाइप लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे पाइप लगे हुए हैं, उसमें से जो रंगों की एक फुहार है वो फेंकी जाएगी। एक जो रंग है चारों तरफ जो है रंग से भर जाएगा। ये जो हमारा क्षेत्र है पूरा हर तरफ एक रंग होगा। यहाँ पे लठ मार होली का भी आयोजन किया जाएगा। नंदगांव से बरसाना से लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर सिर्फ भारत के ही नहीं बाकी पूरी दुनिया के लोग आते हैं। और उसके बाद आज की होली के बाद कल गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी। छड़ी मार होली के बारे में हम आपको बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण थे उनका बचपन गोकुल में बीता, इसलिए वो इतने छोटे थे कि उनको वो लठ लग ना जाए, इस कारण से उसमें जो है छड़ी मार होली गोकुल में खेली जाती है। उसके बाद 20 तारीख को होली जलाई जाएगी पूरे भारत में। 21 तारीख को रंग खेला जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि काफी उत्साहित है, इनसे कुछ बातें करते हैं। जी सर, कहाँ से आए हैं आप, कैसा उत्साह? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? राधा मोहन, मथुरा के ही हैं। आपसे सर जानना चाहेंगे
कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, इस होली को लेकर कितना उत्साह है आपके अंदर? हम आगरा से आए हुए हैं और यहाँ पर होली का जो हम लोग आनंद देख रहे हैं, इतना अच्छा आनंद है। ये जो होली है ये पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ का आनंद ही कुछ अलग है, और इसलिए हम यहाँ बड़ी दूर से होली खेलने के लिए आए हैं। आप कितने सालों से यहाँ पर होली खेलने आ रहे हैं? हम 2 साल से होली खेलने आ रहे हैं। तो पिछले साल आप होली खेलने आए थे, इस बार क्या कुछ नया देखने को मिला आपको? अब ये रंगोली, ये देखने की बढ़िया लठमार, देखने के बढ़िया मिला हमको। लठमार होली तो अभी 5 बजे से खेली जानी है। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे बेटा कहाँ से आए, काफी मुझे तैयार लग रहे हैं, आपने काफी ज्यादा मेकअप कर रखा है, काफी रंग खेल रखा है, कहाँ से आए, कितना खुश है आप होली को लेकर? मैं हाथरस से आया हूँ, मेरा नाम आशुतोष वाष्णेय है, मैं भी वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का जो सीन दिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों में इतना उत्साह है, हाथरस से आए हैं, यहाँ पे परिक्रमा लगाया है और फिर भी अभी इनके अंदर इतना जोश बाकी है, इतना उत्साह बाकी है कि अभी भी जो 5 बजे से यहाँ पे लठमार होली का आयोजन किया जाएगा उसमें भी ये भाग लेंगे। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे किस तरीके का आयोजन किया जाएगा, उसकी तरफ भी हम आपको लेकर चलेंगे और बराबर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रंगभरनी एकादशी के अवसर पर लठमार होली का परंपरागत आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि लठमार होली समिति की ओर से हर साल की तरह मल्लपुरा की हुरियारियों से होली खेलने राधा रानी के जन्म स्थली रावल के गोप गोपी गांव को विधिवत निमंत्रण के साथ ही लठमार होली का आरंभ होता है। कृष्ण के रूप में ग्वाल बाल जन्मभूमि परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर रंग डालते हैं। वहीं हुरियारी ने लाठियां भांजकर हुरियारों पर प्रहार करती हैं। मंदिर के सेवायत मुखिया व अन्य लोगों द्वारा भक्तों पर पिचकारी से रंग डाला गया। ऊपरी दीर्घा से गुलाल की वर्षाकार समूचे मंदिर परिसर में उसमें उपस्थित भक्तों को रंग गुलाल डालकर होली के प्रेम रंग में रंगा गया। लगभग 1 घंटे तक चली इस भव्य रंग महोत्सव का आनंद भक्तों ने लिया। समूचे जन्मभूमि परिसर में रंग और गुलाल के बादल नजर आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के पर जो हमें बेसब्री से जिसका इंतजार था वो अब शुरू हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे जो हुरियारे हैं वो अपनी लठ को लेकर आए हैं और यहाँ पे लठमार होली खेली जाएगी। जैसे हुरियारी ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी वो हुरियारों के ऊपर कैसे अपने लठ को बरसाएंगी। यहाँ की जो हुरियारिनी है उनकी जो लठ मारेंगी उसकी जो तड़तड़ाहट है, लठ मारने की जो तड़तड़ाहट है उससे यहाँ के, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे लठ बरसाए जा रहे हैं, ये देखिए जो उसकी तड़तड़ाहट है उससे होली का जो रस है कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है। अभी मुझे भी 2 लठ पड़ चुके हैं, यहाँ की झोरियारियों ने मुझे भी 2 लठ मारे हैं, 2 लठ पड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग मौजूद है हमारे साथ। आप साल खेलते हैं, वो आनंद आता है। देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह है, यहाँ
आशीर्वाद है जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो माहौल है इसमें अपने आप को, ये जो रंग है इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं उनको अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रांगण में कई सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिसको देखने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते हैं। होली की पावन बेला पर रंगों की रस को भरने के लिए राधा कृष्ण के रूप में मयूर नृत्य किया जाता है, जहां राधा कृष्ण के प्रेम को दिखाने की कोशिश की जाती है। राधा कृष्ण के स्वरूप लोगों पर फूलों से वर्षा करते हैं और अपने मनोरम नृत्य से सबको नाचने पर मजबूर कर देते हैं। होली का त्यौहार है और हर तरफ राधा कृष्ण की धूम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर, जहां पर अभी हमने आपको दिखाया राधा कृष्ण के किरदार में तरह तरह के कार्यक्रम यहां पर किए गए। अभी हमारे साथ जो राधा कृष्ण का किरदार निभा रहे थे, वो जो किरदार हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं और दिखाते हैं उनके अनुभव के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? कब से? मेरा नाम सोहित है और मैं मथुरा से ही बिलोंग करता हूँ। और इतने कब से आप कृष्ण जी का रोल कर रहे हैं, क्या अनुभव रहा है आपका? मेरा अनुभव तो यही कहता है, मैं 8 साल से कर रहा हूँ, 8 ईयर्स हो गए, और अनुभव यही कहता है कि 8 साल में मैंने जो कुछ पाया है ना, ये सब ठाकुर जी की कृपा ही है। आज मैं जितना खुश हूँ रियल लाइफ में भी, आज की डेट में बहुत अच्छा मैं भी खुश रहता हूँ, कॉलेज भी जाता हूँ। मैं ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना करता हूँ कि इस मंच पे मुझे जो लाता है ना, ठाकुर जी ही लाने वाला व्यक्ति है, तो मैं ठाकुर जी से यही कहूँगा मैं हर साल यहीं आऊँ। यहाँ पे हमारे साथ राधा जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, किस तरीके का आपने? मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल है और मैं मथुरा से हूँ। आप कितने सालों से आप राधा का रोल कर रही हैं, इस तरीके का कार्यक्रम कर रही हैं? मेरे को 4 इयर्स हो गए और मैं बहुत खुश हूँ कि राधा रानी ने मुझे अपना स्वरूप दिया। जैसा कि कृष्ण जी राधा को हमेशा छेड़ा करते थे, रंग लगाते थे, उनके गोरे रंग से बहुत चिढ़ते थे, उसके बारे में क्या कहना, क्या ये भी आपको बहुत छेड़ते? ऐसा ही कुछ है, ठाकुर जी है छेड़ेंगे ही। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका, कितने दिनों से आप ये जो है किरदार कर रही हैं? मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ये किरदार मिला सखी का रोल करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। क्या रोल था अभी जो आपने यहाँ पे कार्यक्रम किया, काफी अच्छा कार्यक्रम किया, आप काफी अच्छा नृत्य कर रही थी, किस तरीके का आपका रोल था? सखी का रोल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण के जो किरदार है वो मौजूद है हमारे साथ। यहाँ पर कुछ और भी किरदार मौजूद है जो भी राधा कृष्ण का किरदार निभाया है। मैम, हर साल की तरह इस बार क्या कुछ नया करने को मिला आपको? हर साल लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पे होली खेली थी और बहुत ही आनंद आया था, उससे भी दुगना आनंद आज आया है क्योंकि यहाँ पे और ही और ज़्यादा पब्लिक आई है और खूब यहाँ पे मजे ले रहे हैं, यहाँ पे और फूलों का आनंद ले रहे हैं, गुलालों से होली खेलने वाले हैं और खूब सारा धूम मस्ती धमाल होने वाला है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगता है इस स्टेज पर परफॉर्म कर राधा रानी के गेटअप। सौभाग्य की बात है कि राधा रानी का गेटअप हमें सौभाग्य से मिलता है क्योंकि हम ब्रज के हैं और हम ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा ही स्वरूप हर जन्म में मिले। सर, आपसे जानना चाहेंगे पूरी दुनिया से होली के त्यौहार में मथुरा और बरसाना वृंदावन में लोग आते हैं आपका कार्यक्रम देखने के लिए, कैसी फीलिंग होती है, क्या अनुभव होता है आपका? बहुत अच्छा। मेरा नाम बीरन शर्मा है, मैं डिग के पास छोटा सा गांव बोले ना वहाँ का रहने वाला हूँ और हम आज यहाँ पे आए हुए हैं मथुरा में। बहुत ही आनंद आता है हमको देख करके, गोवर्धन मथुरा बरसाने बहुत ही, और कामवन आद वृंदावन जो है वहाँ पे भी बहुत अच्छी होली होती है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी होली होती है। हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ देश नहीं विदेशों तक के लोग बाग होली देखने के लिए आती है, हमको बहुत खुशी होती है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं, किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती है कार्यक्रम करने से पहले? हम लोग रिहर्सल वगैरह भी करते हैं और लगातार शो चलते रहते हैं तो कर लेते हैं, राधा रानी का आशीर्वाद है कर अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किरदार है कितना उत्साहित है अपने किरदार को लेकर, तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। इनका कहना है कि ये इतने मजे हुए कलाकार हैं कि इनको कहीं भी खड़ा कर दिया जाए वो
भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं और पूरी तरीके से जो भाव विभोर हो जाते हैं और जो जनता यहाँ पे देखने आई, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, उनको पूरी तरीके से प्रफुल्लित कर देते हैं। कैमरा पर्सन शैलेश पांडे के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे वृंदावन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्रिज की होली। उड़त गुलाल लाल भय बदरा मारी भर भर पिचकारी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आम दिनों में भी हजारों लोग आते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि होली में यहाँ कितनी भीड़ होती होगी। आइए आपको दिखाते हैं बांके बिहारी मंदिर के कुछ मनोरम दृश्य। बांके बिहारी मंदिर की होली। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होली का इतना भव्य और मनोरम आयोजन होता है कि इसे देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक यहां आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यहां हर कोई डूब जाता है। यहां के माहौल में ही एक नशा होता है, चारों तरफ बस रंग ही रंग नजर आता है और हर इंसान यहाँ की मस्ती में सराबोर हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद है बांके बिहारी मंदिर के रास्ते पे, जहां आप देख सकते हैं होली की धूम है। ऐसी होली कहीं नहीं देखी जाती पूरे भारत में। मथुरा जैसी होली, जो ब्रज की होली है, भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, उसकी जैसी होली पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। यहां की दुनिया की होली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहां की होली में 40 से 45 दिन पहले से ही यहां पे होली शुरू हो जाती है। यहां पे हमारे साथ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। कहां से आए आप, क्या नाम है आपका? गुरु अलीगढ़ से आए, विशाल नाम है। बहुत मजा आता है होली खेलने में। होली खेलने लोग अलीगढ़ से आए हैं। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देख सकते हैं लोगों में किस तरीके का यहाँ उत्साह है, लोग कितने ज्यादा उत्साहित है। हमारे साथ एक मैम मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? रीता, दिल्ली से। दिल्ली से आई है। दिल्ली से लोग यहाँ पे आए हैं होली मनाने के लिए, कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ का जो माहौल है उसके बारे में आप बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए सर, आपके बारे जानेंगे? सादाबाद से। क्या नाम है आपका? रवीश पाठक। देख रहे हैं आप, ये सादाबाद से पूरे, आप देख सकते हैं लगभग पूरे भारत से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कोई राजस्थान से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है। यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। 40 से 45 दिन पहले यहाँ पे जो होली है शुरू हो जाती है। हम यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर का ये रास्ता है, वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। आज बांके बिहारी मंदिर में आज होली खेली जाएगी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर पिछले 7 दिनों से लगातार हर जगह पे होली खेली जा रही है। बरसाना में होली खेली जा रही है, उसके बाद बरसाना में लट्ठमार होली खेली गई, नंदगांव में लट्ठमार होली खेली गई, उसके बाद आज के दिन यहाँ पे जो यहाँ पे जन्मभूमि है वहाँ पे होली खेली जाएगी, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर है वहाँ भी आज होली खेली जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की भीड़ है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सुरेश कुमार, हिमाचल से आए। हिमाचल से लोग यहाँ पे आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? इतनी दूर से आप आए हैं, यहाँ की होली के बारे में कुछ बताइए आप। बहुत अच्छा लग रहा है होली खेल के। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आई हैं आप? हम आगरा से आए हुए। आगरा से आई है, आप देख सकते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। कैसा लग रहा है होली? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो देख सकते हैं यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, हर तरह के लोग हैं जो यहाँ पर होली को सेलिब्रेट करने आए हैं। बिल्कुल ही अलबेली तरीके की होली होती है। अभी देखना है आगे आगे, हम आपको लेकर चलेंगे इस यात्रा पे और दिखाते हैं मथुरा की होली के बारे में। वृंदावन के बांके बिहारी टेम्पल की एक अद्भुत जो होली है, इसको सिर्फ पूरे देश से भक्त ही नहीं आते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन भी आए हुए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, हमारे साथ यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो कुश्ती के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ उनके कोच मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा सर यहाँ पे होली में आके। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर होली में आकर, और बहुत ही आनंद आया। हमने खूब अच्छे से होली खेली है, और यहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान भर से पहलवान जीएलए यूनिवर्सिटी में कुश्तियाँ लड़ेंगे, जो मेल और फीमेल दोनों, महिला और पुरुष दोनों। इस समय आज ये कुश्ती का किस तरीके का कार्यक्रम है यहाँ पे? आज का सिर्फ वजन होगा, 10 बेटों में वजन होगा। वजन के बाद कल 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कुश्तियाँ आयोजित होंगी जीएलए यूनिवर्सिटी के अंदर। मेरे साथ में 3 इंटरनेशनल पहलवान हैं, जो हरियाणा हिसार से आई हुई है सोनका, जो नीलम अपनी मथुरा की है, जो बनारस की पूजा यादव है,
जो तीनों यहाँ के इंटरनेशनल पहलवान हैं अपने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल पहलवान भी आए हुए हैं यहाँ का होली का मजा लेने, होली के रंग में डूब जाने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका, किस तरीके से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरा नाम नीलम है, मैं मथुरा की ही हूँ और मैं यहाँ दंगल लड़ने आई हूँ। दंगल लड़ने आए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं यहाँ पे, हरियाणा से हम दंगल खेलने आए हैं यहाँ पे। दंगल खेलने आप आए, किस तरीके, आपसे जानने चाहेंगे किस तरीके का यहाँ पे आयोजन है, क्या कुछ तैयारी करके आए हैं आप यहाँ पे? हम लोग बहुत अच्छी तैयारी कर कर आए हैं, यहाँ का आयोजन बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का होली फर्स्ट टाइम देखने को लिया मिला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं होली को मनाने के लिए, इनका कहना है कि इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है लेकिन इनकी भी भावनाएं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और ये यहाँ पे आए हैं होली को सेलिब्रेट करने। वृंदावन के बांके बिहारी इनकी हर रीत, हर छटा, हर छवि सबसे निराली। जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर जैसे मनोरम दृश्य शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। यहाँ पर रंग और अबीर ऐसे उड़ता है कि रंगों का एक बादल बन जाता है। रंग गुलाल की वर्षा, फूलों की वर्षा के बीच नाचते गाते भक्तों का जोश देखते ही बनता है। भक्तों पर रंग गुलाल की बारिश से पूरा मंदिर रंगीन हो जाता है और अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं। मंदिर के महंत द्वारा भक्तों पर पिचकारी से रंग बरसाया जाता है और भगवा यानी प्रसाद के रूप में गुजिया और जलेबी भी बांटी जाती है। उड़त गुलाल लाल भय भद्रा, जी हाँ ये कहावत है जो यहाँ पे सिद्ध होती दिखाई दे रही है। हम इस वक्त मौजूद है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ है, एक हुजूम है, एक उल्लास है। बांके बिहारी की हर बात निराली है, हर रास निराली है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, हर तरफ बस रंग उड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, किसी का कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बताना चाहेंगे पिछले 7 दिनों से यहाँ पर मथुरा वृंदावन बरसाना में बांके बिहारी का जो मंदिर है वहाँ पे होली लगातार खेली जा रही है। जहाँ पर पूरी दुनिया 21 तारीख को होली खेलने की तैयारी कर रही है वहीं पे आज लगभग यहाँ पे जो होली है वो खत्म होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, किस तरीके से वो देखिए, जैसे हम देख सकते हैं वहाँ पे जो पिचकारी से वहाँ पे जो है भक्तों पे रंग बरसाए जा रहे हैं। ये एक जो रंग है, जो कलर है, जो एक तरीके की भावनाएं हैं लोगों की, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, सिर्फ भारत से नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं अपने बांके बिहारी, अपने ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने। जो गुनगुना पानी होता है, गुनगुना पानी का जो रंग होता है वो जिसको प्राप्त हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार होली चल रही है। सबसे पहले बरसाना में लठमार होली खेली गई, उसके बाद नंदगांव में लठमार होली खेली गई और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बांके बिहारी मंदिर है जिनकी लीला अपरंपार है, वहाँ पे एक रस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फगुआ है बांटा जा रहा है, जलेबी और गुजिया का यहाँ फगुआ बांटा जाता है। उसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जो हमारा गुलाल उड़ाया जा रहा है, अबीर गुलाल कलर उड़ाया जा रहा है, वो नाक से और मुँह से लोगों के मुँह में चला जाता है, जो एक केमिकल होता है, उस केमिकल को जो एक मीठी गुजिया है और ये जो हमारी जो जलेबी है उसका जो रस होता है उससे वो हमारे पेट में चला जाए, कोई हानिकारक ना रहे, इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर एक भावना है लोगों की जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन शैलेश पांडे के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे वृंदावन। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की धरती की होली यानी कि ब्रिज की होली जिसकी यात्रा हमने आपको करवाई। इस एपिसोड में बस इतना ही, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं, देखते रहिए लाइव टुडे।